नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। आदिवासियों से पुलिस ने लूटा करोड़ों का सोना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक आदिवासी परिवार से पुलिस वालों ने 240 सोने के सिक्के लूट लिए। इन सिक्कों की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। करोड़ों रुपए के लिए देशभक्ति और जनसेवा की कसम खाने वाले रक्षक लुटेरे बन गए। जांच में पता चला है कि पूरे थाने में जबरदस्त प्लानिंग कर इस घटना को अंजाम दिया गया। प्लानिंग के तहत पुलिस वालों ने थाने के सीसीटीवी बंद कर दिए। पकड़े न जाए इसलिए थाना प्रभारी ने एक दिन पहले ही छुट्टी ले ली थी। लूट के बाद थाने आकर लिखा कि अवैध रूप से शराब बेचने वालों को पकड़ने गए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन असल बात तो ये है कि पुलिस वाले गए और करोड़ों का सोना लूट कर आ गए। बताया जाता है कि अलीराजपुर के सोंडवा थाना क्षेत्र के बेजड़ा गांव की रहने वाली रमकुबाई भैड़िया अपनी भतीजा बहू के साथ गुजरात मजदूरी करने गई थी। वहां एक मकान की खुदाई के दौरान दोनों को ये 240 सोने के सिक्के मिले थे। इसे वे चुपचाप लेकर अलीराजपुर लौट आए। ये सिक्के अंग्रेजों के जमाने के बताए जा रहे हैं। उन्होंने ये सिक्के घर में ही जमीन में छिपाकर रख दिए। बाद में पुलिस को मुखबिरों से इसकी जानकारी मिली। पुलिस वाले रमकुबाई के यहाँ पहुंचे और खुदाई कर जमीन में छिपाए सिक्के लेकर आ गए। इसे सरकारी खजाने में जमा कराने की बजाय वह लेकर फरार हो गए। पुलिस ने अपने ही एक साथी पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके बाद अलीराजपुर SP ने थाना प्रभारी सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया। आरोपी पुलिस वाले लूट के माल के साथ अब भी फरार हैं। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।